कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने, तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है ये एक महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। जितना अधिक वोट होगा, जितना अधिक वोट डाला जाएगा, उतना ही हमारा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ेगा। यही वोट है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसी सरकार हम लोगों ने देखी जिसकी हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले, और अब गारंटी लेकर के आए हैं। ये गारंटी कुछ नहीं है, लोगों को केवल धोखा देने के लिए केवल नाम बदल गया है। जुमला धोखा झूठी का नाम गारंटी है। ना किसान की आय दोगुनी हुई, किसान मारा मारा घूम रहा है, नौजवान के हाथ में ना नौकरी है ना रोजगार है, और जब भी परीक्षा लिखी उसने, वो परीक्षाएं उसके पेपर लीक हो गए। महंगाई चरम सीमा पर है, हम आप खुद महसूस करते हैं और आम लोग महसूस करते हैं कि महंगाई है आज, और महंगाई इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है। उन मुनाफे से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ले रहे हैं और उनके खाते में जा रहे हैं। आज अगर हम महंगाई देखें, गाड़ियां तो बहुत महंगी हो गई हैं, मोटरसाइकिल की कीमत क्या हो गई है? 2014 में कोई चीज किसी की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है? ये सब मुनाफा ज्यादा कमाने देने लोगों को, उसकी वजह से भी महंगाई है, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए इन्वेस्टमेंट के, कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो जहां नौकरी रोजगार मिले हो, तो ना इन्वेस्टमेंट आया और ना रोजगार ना नौकरी। डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही, डिफेंस कॉरिडोर पता नहीं कहां बन रहा है। और फिर हमने कई मौकों पर फार्मूला बताया कि 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार ने। 60 लाख परिवार के अगर माँ बाप ही वोट इस सरकार के खिलाफ डाल देंगे, तो 60 × 3 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें, तो आप खुद जानते होंगे कि एक लोकसभा में वोट कितना कम हो गया। कुछ जगह से सूचनाएं आ रही है, जबरदस्ती कर रही है सरकार। यहां पर भी आप अंदर डाल सकते हैं, सुनने में आ रहा है कि बाहर अधिकारी लगाए गए हैं ज्यादा, एडीएम और एसएसपी गाली दे रहा है चाचा। और जब मैं खुद गाड़ी से जब उतरा, उसे होश ही नहीं था पुलिस वाले को, गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था। पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कुछ हम लोग उतरे गाड़ी से चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा, तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं, और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है,
बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। अखिलेश जी क्या ये चुनाव मंडल बना कमंडल बन चुका है। एक तरफ आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी राम मंदिर की बात कर रही है। देखिए आप लोग बीजेपी की चतुराई से सावधान रहे, और कभी कभी हमें भी आपकी चतुराई से सावधान रहना पड़ता है। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, और आपने रिजल्ट देखे हैं। जो गलत है वो गलत है, समाज में जो बात गलत है वो गलत है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दें। बीजेपी की चतुराई देखिए ना आप, ये चतुराई वाला काम था जो आप सवाल पूछ रहे। लेकिन आप बताइए, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, मुनाफा कौन कमा रहा है? आपकी जरूरत की चीज महंगी हो गई, मुनाफा कौन कमा रहा है? खाद की बोरी से 5 किलो फिर 5 किलो कौन मुनाफा कमा रहा है? और किसान का गेहूं सरकार कहीं खरीद नहीं रही, और बाजार में रेट अच्छा मिल रहा है, सरकार क्यों रेट नहीं दे पा रही है? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गेहूं की रेट अच्छी दे, सरसों के तेल की रेट अच्छी दे। क्या MSP में सरसों की खरीद हो रही है? क्या गेहूं की MSP पे खरीद हो रही है? ये सरकार वो है जो किसानों को MSP नहीं दे पाई, और 1000 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान चली गई। इन लोगों ने किसान पर थार चला दी। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या की है, 1,00,000। और ये जो खाकी वर्दी वाले घूम भी रहे, सुन लीजिए, ये खाकी वर्दी वाले अभी तो फौज की नौकरी हुई है, 4 साल की फौज की नौकरी हुई है। ये जो खाकी वाले गुस्सा भी दिखा रहे हैं या जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इनकी भी नौकरी बीजेपी वाले 3 साल में कर देंगे। और हो सकता है ये जो बड़े बड़े अधिकारी जो कंट्रोल करते हैं वो आउटसोर्स हो जाएं। और हम तो अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने पत्रकार साथियों से कहता हूं, आप जानकारी करिए कि लेटरल एंट्री में जो लोग आए थे, लेटरल एंट्री में जो आए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत तो उनकी अपॉइंटमेंट हुआ नहीं, आरक्षण के तहत तो अपॉइंटमेंट हुआ नहीं। क्या लेटरल एंट्री वाले नहीं भारत छोड़ के चले गए? तो ये जो लेटरल एंट्री वाले हैं, आउटसोर्स में अधिकारी आ रहे हैं, कल को ये जो बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के हैं ये भी आउटसोर्स हो जाएंगे। तो लोकतंत्र को हमें सावधान करना है, गांव, गरीब, किसान उनके हकों को छीन रही है। हमें क्या दिन पड़ा है, पूरा दिन भर वोटिंग होगी, अभी तो शाम तक वोटिंग होनी है। घबरा मत, अखिलेश जी को बता रहे सीएम साहब कह रहे हैं कि राम द्रोहियों के बीच का ये चुनाव है। ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं सब लोग, आप भी लोग संविधान रक्षक हो, और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन होने जा रहा है। संविधान की रक्षा, संविधान को बचाने वाले लोग, संविधान के रास्ते पे चलने वाले लोग, और मनमर्जी वाले लोग नहीं है यहाँ, संविधान की बात करने वाले लोग हैं, मनमर्जी बात करने वाले नहीं है यहाँ पर। और फिर सत्ता में खींचतान चल रही है। सत्ता में बीजेपी के अपने अंदर खींचतान चल रही है कि सत्ता किसके हाथ में हो, ये बात किसको नहीं समझ में आ रही है। ये जो आत्म तुष्टिकरण के लिए जो बयान देते हैं, ये बयान किसी और के लिए नहीं दे रहे हैं, आत्म तुष्टिकरण के लिए बयान दे रहे हैं लोग। और ये चतुराई से हिसाब किताब करते हैं, चतुराई से बातें करते हैं। ये स्लो पैटर्न तो इसलिए है, स्लो पैटर्न तो इसलिए है कि अधिकारी ऐसे लगाए गए हैं कि वोट न डालें। ये जो अधिकारी हैं, कई अधिकारी आप जनता से पूछ लीजिए उनका व्यवहार कैसा है, गाली गलौज कर रहे बताइए। और मैं यहाँ की भाषा में बोलता हूँ, जब मैं गाड़ी से उतर रहा था तो भैरिया के भाग रहा था इधर उधर। यहाँ की भाषा में आप खुद देखिए, अगर विजुअल देखे हो तो, जब मैं वोट डालने आया हूँ
तो भैरिया के घूम रहा था गाड़ी के चारों तरफ भैरिया के। तो ये बताओ तुम भैरिया क्यों रहे हो भाई, हारी तो रहे हो। अच्छा उनसे ज्यादा झूठ, अरे ये जो बात कह रहे हैं बातें झूठी, झूठे वादे किसके हैं बता दो। ये बात ना आपको हमसे पूछनी है, आप केवल ये पूछिए, आप ही पूछ लो क्या बातें झूठी वादे झूठे किसके हैं। अखिलेश जी अलायंस में आपके पार्टनर केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी के खिलाफ एनआईए जांच की बात कही जा रही है। नहीं नहीं अभी पुलिस आपके हाथ में दे दें तो आप जिसकी जाओ उसकी जांच करा सकते हैं। मैं दिल्ली में कई पोलिंग ऐसी जहां अखिलेश जी आपके दिन बढ़ाने की दिक्कत कर रहे हैं। नहीं वो बाकायदा आप सोचिए उनके नेता गाली गलौज कर रहे थे मुझे, मैं नहीं कह सकता, इधर पूरे देश के चैनल है। आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए था कि गाली गलौज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अखिलेश बताओ गाली गलौज के खिलाफ जो गाली गलौज कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, बताओ कैसा लोकतंत्र आ गया। इसीलिए मैंने कहा और सब लोग कह रहे हैं, मैं अपनी जनता से भी कहता हूँ आपके माध्यम से, बीजेपी की सरकार आएगी तो ये लोकतंत्र और ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये देवगा खत्म हो जाएगा। यही तो लक्षण है, आपकी कौन सुनने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं। ये संविधान संविधान खत्म कर देंगे, ये संविधान बचाने का चुनाव है, बीजेपी जाएगी तो संविधान बचेगा, बीजेपी जाएगी तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, बीजेपी जाएगी तो नौकरी मिलेगी, बीजेपी जाएगी तो खुशियों के दिन आएंगे, बीजेपी जाएगी तो महंगाई कम होगी। अखिलेश जी रायबरेली में बैठी जाएंगे, अखिलेश जी प्रचार के लिए रायबरेली में बैठी जाएंगे। देखिए नेताजी नहीं है हमारे बीच, लेकिन नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं, रायबरेली में बैठी जाएंगे प्रचार के लिए। गवर्नमेंट है और ओबीसी का जो रिजर्व है वो मुस्लिमों को भी दे दिया है, बार बार भाजपा के नेता है। मेरे पत्रकार साथी जरा पढ़ो, आप ये समय नहीं है विस्तार से बताने का। आपके लिए पीडीएफ जो जो मूल भावना थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की और मंडल कमीशन की, जो मूल भावना थी, मूल भावना से आप डाइवर्ट हो गए। बीजेपी के लोग ये जो सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के लोगों को कहना चाहिए और बताना चाहिए कि आप मूल भावना से नहीं अलग हो गए। और आपको हम बता दें, आप भी जानते हो ये बात, पहले पिछड़े दलित आदिवासियों के बच्चे ऊपर जनरल में भी चले जाते थे मेरिट में, और आज मेरिट अगर आप देखेंगे तो जनरल से भी बेहतर मेरिट कई पिछड़े दलित आदिवासी भाई नौजवान की है। तो आप बताओ पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना? बीजेपी ने छीना। बीजेपी इसीलिए मैंने कहा बीजेपी बहुत चतुर पार्टी है।